एक प्लांट लवर नर्सरी जाए और प्लांट खरीद के ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कल गया था नर्सरी और ये देखिए मैं कुछ पौधे खरीद के लाया हूँ। इसमें पिटूनिया के दो वैरायटी है और डैंथस है एक, और ये है इसका नाम मुझे पता नहीं है। तो देखिए इसे मैं खरीद के लाया और इसे मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं लाता हूँ प्लांट और हाथों हाथ इसी की रिपोर्टिंग करता हूँ। रिपोर्टिंग करने का मेन कारण ये है, लाने में तो जो इसे शौक लगा है उसी के साथ ये जो रिकवर होता है ट्रांसप्लांट का, वो साथ साथ में दोनों हो जाते हैं। तो मैं इसमें ये नहीं विश्वास करता कि इससे पहले 2 दिन अपने तरफ अपने यहाँ पे रखो, उसके बाद फिर अपने वातावरण में ढलने के बाद फिर वापस इसे सौंप दो। तो कुछ ये मैंने गमले भी उसके यहीं से ले लिए थे 20-20 रुपये में। 3 गमले तो एकदम बढ़िया हैं, 2 में थोड़ा सा क्रेक है। मिट्टी मैंने तैयार कर लिया, इसमें डाला है मैंने किचन वेस्ट और जो पूरी तरह से डिकम्पोज है, और रेत, इसमें खाद वाद कुछ ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। लेकिन इसका ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आगे बात करूँगा कि इसमें और डालना क्या है खाद के जगह पे। देखिए ये जो किचन वेस्ट गला नहीं था वो है, इसे गमले में नीचे डालेंगे। तो चलिए पहले ये किचन वेस्ट जो आधा गला हुआ है इसे पहले नीचे डाल लेते हैं। डालते हैं इसमें 2 मुट्ठी ये डाल देंगे। 2 मुट्ठी डालने के बाद इसमें डालेंगे मिट्टी। मिट्टी ये एक परत इसकी मिट्टी की आएगी और उसके बाद हम ये प्लांट, ये तो एक परत बढ़िया से रखते हैं जिससे वो सारे कंपोस्ट ढक जाए। और अब ये देखिए प्लांट डालेंगे इसमें। प्लांट को निकालने के बाद इसमें डालते हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है, ऊंचा होने के कारण मैं थोड़ा सा इसमें से मिट्टी निकाल दूंगा। वापस इसकी मिट्टी हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ अब ये देखिए अब ये बराबर फिटिंग आ गया है। अब इसके चारों तरफ मिट्टी हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे भरना है साइडों में, प्लांट के रूट्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और प्लांट भी ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। तो आराम आराम से मिट्टी चारों तरफ भर देते हैं, ये मिट्टी चारों तरफ भर देता हूँ मैं, और इसके साथ साथ में दबाते रहना है मिट्टी बराबर हो जाए चारों तरफ से, एकदम बराबर मिट्टी एकदम व्यवस्थित कर दें। और इसके रूट्स के आसपास ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, रूट्स से दूर, और हल्के हाथों से मतलब बढ़िया से प्रेस करते हैं। जो मिट्टी आपने नई डाली है वही प्रेस करना है, इसके पुराने वाले को प्रेस नहीं करना है। ये देखिए मैं धीरे 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 इसमें सब सेट कर देता हूँ। अब इसे सेट करने के बाद देखिए थोड़ा सा मिट्टी और कम पड़ रहा है। इसमें पानी कम चाहिए होता है इसलिए हम इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे। जिसमें पानी चाहिए होता है उसमें स्पेस थोड़ा रखना चाहिए, और इसमें कम चाहिए तो इसे हम फुल भर देंगे कि इसमें पानी डालते ही कुछ तो अंदर जाए कुछ बाहर चले जाए और इसमें पानी स्टोर होने का जगह ना बचे। बाकी स्पेस छोड़ देंगे तो इसमें पानी स्टोर हो जाएगा, फिर आपके लिए आपके प्लांट के लिए ये पूरा है। देखिए ये फुल भर दिया मैंने और इसके जड़ों के आसपास नई मिट्टी नहीं डाल रही है, इसे रखते हैं साइड में। दूसरा प्लांट ये देखिए, निकालने का तरीका मैंने उसमें नहीं दिखाया था, इसमें दिखा देता हूँ निकालते कैसे। ये जो है प्लांट के आगे हाथ रखेंगे और थैली को हल्के हाथों से दोनों साइड से हिलाएंगे। ये देखिए आराम से निकल गया पूरे रूट बॉल के साथ, इसके रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये रख देते हैं इसमें, इसमें भी थोड़ा सा हाइट हो रहा है। मिट्टी हटाने के बाद इसको भी थोड़ा लेवल में कर लेंगे, ऐसे इसकी मिट्टी बराबर नहीं है और थोड़े इसके जड़ों के पास से मिट्टी हटाऊंगा मैं, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा रख लेता हूँ। अब देखिए इसके भी चारों तरफ देना है ये मिट्टी, और मिट्टी को बढ़िया से बैठा देना है। इसके जो पुरानी मिट्टी है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, आप जो नई मिट्टी डाल रहे हैं इस गमले में उसी के साथ सिर्फ उसको प्रेस करना है। पहले वाला तो बराबर जमा हुआ है, कोई एयर पॉकेट ना रह जाए इसलिए इसे दबाना है। इसके भी हो गए, एक गमला बनने का सेम मेथड है ये। इसमें पहले किचन वेस्ट जो फुली डिकम्पोज नहीं है वो नीचे डाल देते हैं, ड्रेनेज होल भी बढ़िया इससे जाम नहीं होता है। फिर मिट्टी डालेंगे, मिट्टी की एक लेयर। मिट्टी डालने के बाद प्लांट को जो निकालने का तरीका मैंने आपको दिखाया सेम वही, इसमें थैली के पीछे से पकड़ना है और पौधे के आगे 2 उंगली लगानी है, इससे प्लांट बाहर आएगा और आपके उंगलियों पे अटक जाएगा, नीचे रगड़ नहीं खाएगा और पूरे के पूरे रूट बॉल के साथ बाहर आता है। छेड़छाड़ नहीं करना है इसके साथ, इसके रूट बॉल को नहीं छेड़ेंगे, है जैसे जैसे अंदर रख देंगे। अब इसमें मिट्टी वापस, ये जो 2 उंगली कब मैंने बताया ऐसे इसमें 2 उंगली फंसाना है और फिर प्लांट को पलटी करके फिर ये अपने को निकाल लेना है। मिट्टी भरेंगे वही साइड में आराम से, रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ होगा पौधा शौक में जाएगा, और जो मैं अभी तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें शौक में जाने का कोई चांस नहीं होता है। और देखिए एक ये मिश्रण तैयार करेंगे, क्या है जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, इसमें ये 2 चीज़ डालना है। ये देखिए आपको ऐसे जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं प्लांट लाने के बाद कौन सा फूल देता हूँ, इन्हें कौन सी ट्रीटमेंट करता हूँ, उनके साथ बढ़िया सा एक फूल तैयार करके और प्लांट को ले चलते हैं सेमी साइड इलाके में। ये एक तरह से मान के चलिए ये मेरा ग्रीन हाउस है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट हैं और ये दोपहर का टाइम है, देखिए 12-1 का टाइम है और धूप यहाँ पे मामूली सा छन छन के आ रहा है कहीं कहीं से।
जितने भी हैं मैं कटिंग लगाता हूँ, ये रखता हूँ, ये मनी प्लांट है, पान है, ये ड्रेसिना है, जितने भी कटिंग है, रोज़ की ग्राफ्टिंग है, जितने भी कटिंग है, मैं इसी जगह पर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लांटों का छाया रहता है और इसमें धूप पूरी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है। आप देखिए मामले मामले कहीं से धूप आ रहा है, बाकी छाया है। तो अब ये पानी डालेंगे, ये जो घोल था वो था एप्सम सॉल्ट, जो मैंने 2 चम्मच डाल रखा है, 1.5 लीटर का मेरा कैन है, और आधा चम्मच फंगिसाइड। पहले लो प्रेशर के साथ प्लांट को बढ़िया तरह से धो देंगे, और जो इसमें पानी बचेगा उसमें पानी कम ही डालना है, क्योंकि नर्सरी से लाया था तो इसके मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई तो नहीं थी, लेकिन हल्का हल्का गीला था। और लो प्रेशर से डालने के बाद ये जो पानी बचेगा इसी को हम मिट्टी में भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि एप्सम सॉल्ट से सॉक में जाने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और फंगिसाइड से फंगस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छी तरह से बढ़िया चारों तरफ से इसको एक बार धो देना है। ऐसे इसमें ऊपर से नहीं डालते हैं, ये सीजनली प्लांट में फंगस आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पर एक बार तो इसमें ये डाल के मैं धोऊंगा, क्योंकि मैं जब भी किसी भी नर्सरी से कोई प्लांट लेके आता हूँ तो मेरा पहला काम यही होता है कि वहाँ के डिजीज जो हैं वो अपने प्लांट में ना लग जाए। तो सारे को अच्छे से धोने के बाद इसमें जो पानी बचा है तो सारे इनके जड़ में डालेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से जड़ में डाल देंगे। प्रेशर मिट्टी में डालते समय भी नॉर्मल ही रहे तो बढ़िया है, मिट्टी कटता नहीं है इससे। और गमले में पानी भरने के बाद इसे 2-3 दिन के लिए यही छोड़ देंगे, फिर वापस इसे धूप में ले आएंगे, क्योंकि सर्दी का धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, और छाया में रखेंगे तो फिर इसमें फ्लावरिंग सही नहीं होगी। फ्लावरिंग वाले फ्रूटिंग वाले प्लांट को धूप लगना ज़रूरी होता है, पर ये रिपोर्टिंग करने के बाद इसे हम अलग रख दिए हैं। तो 2 दिन बाद वापस मैं इसका हो सके तो अपडेट दूंगा मैं आपको।